सो हे देयर गाइस आर वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ एनिमे कार्टून इंडिया। सो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नारुतो से रिलेटेड और काफी सारे एनिमेस अपडेट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो यार आज ज्यादा एनिमेस अपडेट्स नहीं है तो सबसे पहले हम लोग उसी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली जो अपडेट है वो सबसे बड़ी अपडेट होने वाली है क्योंकि इस हफ्ते हम लोगों को डोरेमोन की एक नई मूवी देखने को मिलेगी जिसका नाम है नोबिता चल पड़ा चांद पर। ये आने वाली है 22 जनवरी को सुबह 10:30 बजे। तो यार इसके लिए रेडी रहना भाई क्योंकि ये इस हफ्ते सबसे बड़ी अपडेट इसलिए है क्योंकि ये मूवी बहुत ज्यादा हिट है डोरेमोन की। सो इसे देखना तो यार बनता ही है। और इसके बाद यार सेकंड अपडेट है जी कैफे के तरफ से, यार उस पर स्टार्ट होने वाला है वैलक्रिया कॉन्क्रीनेशन, अगर नाम गलत ले रहा हूँ तो माफ कर देना। ये स्टार्ट होने वाला है 28 जनवरी से जो की आएगा 2 बजे। इम्पोर्टेंट बात ये है की ये एनिमे यार हिंदी डब है, ये इससे पहले भी इस चैनल पर आ चुका है लेकिन उस टाइम पे ये जैपनीज में था एंड अब इसे यार हिंदी डब किया जा रहा है। तो जी कैफे भी यार एनिमे को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो रहा है। तो मैं तो तुम लोगों से यही कहूंगा यार तुम लोग जी कैफे का सब्सक्रिप्शन ले लो। अगर तुम्हारे डीटीएच में जी कैफे का चैनल नहीं है तो तुम अपने केबल ऑपरेटर को फोन लगाकर उन्हें बोल दो कि हमें जी कैफे चैनल चाहिए तो अरेंज करवा लेना यार, क्योंकि जी कैफे पर भी तुम्हें अब एनिमेस देखने को मिलेंगे एंड जी कैफे हिंदी डब भी कर रहा है तो जो कि काफी अच्छी बात मुझे लगी। और इसके बाद यार दोस्तों फिनियस एंड फर्फ के यार 2 नए सीजन आ रहे हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जिसमें टोटल 20 एपिसोड होने वाले हैं। तो यार तुम लोगों ने इस एनिमे को, मतलब एनिमे नहीं ये तो एक कार्टून है, मतलब तुमने इस कार्टून को देखा था या नहीं फिनियस एंड फर्फ को? वैसे तो मुझे ये काफी इंटरेस्टिंग लगता था। बाकी अगर तुम्हें ये कार्टून पसंद है तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी न्यूज आई है यार कि इनके नए सीजन आने वाले हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जिसमें हमें एक नई स्टोरी देखने को मिलेगी। सो जब भी इसकी रिलीजिंग डेट कंफर्म होती है मैं तुम सबको बताता हूँ। और दोस्तों इसके बाद यार बुद्धा दी ग्रेट डिपार्चर एनिमे ये अवेलेबल है यार Z5 पे, वो भी बिल्कुल फ्री और हिंदी डब के साथ। तो यार तुम इसे भी जाकर देख सकते हो बिल्कुल फ्री में एंड तुम लोग मुझे देखकर बताना कि तुम्हें ये एनिमे मूवी कैसी लगी। और दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं यार इस हफ्ते के सबसे बड़े अपडेट की यार, जो कि सोनी ये चैनल से रिलेटेड होने वाला है, नारुतो से रिलेटेड होने वाला है यार, क्योंकि हमें ऐसे पता चला है कि सोनी ये चैनल की जो टीआरपी आ रही है ना यार वो सारे कार्टून चैनलों से सबसे ऊपर है। मतलब कि नारुतो को देखने से काफी ज्यादा सपोर्ट मिला है भाई सोनी ये चैनल को। मतलब कि नारुतो रात के 9 बजे आता है डेली के 2 एपिसोड, केवल इन 2 एपिसोड के बदौलत ही भाई सोनी ये इस टाइम पर काफी नंबर 1 चल रहा है वो चैनल कार्टून में। सो दोस्तों मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा ये बात यार। और सोनी ये ने डिसाइड किया है कि वो और एनिमेस को डब करके सोनी ये चैनल पर लाएंगे, जैसे कि सर्जन किरेरो जो कि एनिमे है वो स्टार्ट हो चुका है सोनी ये चैनल पर जो कि तुम्हें हर रोज 3 बजे देखने को मिलेगा। सो ये भी एक नया एनिमे है। और सोनी ये ने ये भी दावा किया है कि वो काफी सारे एनिमे के लाइसेंस को खरीद रहे हैं एंड तुम्हें तो पता है यार जो फेमस एनिमे है उनके लाइसेंस काफी ज्यादा महंगे है, तो सोनी ये उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगी लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रही है। सो यार सोनी को प्लीज सपोर्ट करो भाई, मतलब नारुतो ने सच में सक्सेस दिलाई है सोनी ये चैनल को जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और दोस्तों इसके अलावा भी नारुतो से रिलेटेड एक और बहुत बड़ी अपडेट है भाई कि नारुतो के जो मर्चेंडाइज है वो इंडिया में आ रहे हैं। सो अगर तुम्हें नहीं पता कि नारुतो के मर्चेंडाइज तुम कहां से परचेस कर सकते हो तो मैं तुम सबको बता देता हूं कि thesoulstore.com पर तुम्हें मर्चेंडाइज मिल जाएंगे नारुतो के। तो अगर तुम्हें परचेस करना हो तो तुम जाकर वहां पर परचेस कर सकते हो और ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, सो तुम लोग ऐसा बिल्कुल भी मत समझना। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। सो तुम लोग मुझे बताना कि तुम्हें ये एनिमेज अपडेट्स पसंद आए या नहीं एंड अगर तुम्हें अपडेट्स पसंद आए होंगे तो लाइक करना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना यार, हर दिन ऐसी अपडेट्स आती रहेंगी। और साथ में नोटिफिकेशन बेल अगर ऑल पर नहीं होगी तो ऑल पर कर देना। और बस मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।